तो फाइनली गाइज रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए MIUI 12.5.5.0 का अपडेट सभी रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन गाइज ये अपडेट ना तो जो यूजर्स को देखने के लिए मिला वो गाइज यूजर्स ने यहाँ पे अपने डिवाइस को अपडेट कर लिए कुछ यूजर्स एंड गाइज कुछ रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिला एंड गाइज वो अपडेट को आधा डाउनलोड भी कर लिए थे, लेकिन गाइज उनका अपडेट ना फिर से वो हट गया, यानी कि अपडेट उन लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। तो गाइज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर गाइज अपडेट ये हट गया है तो गाइज वो अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, या फिर गाइज अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो कब तक देखने के लिए मिलेगा, बात करेंगे इसके कन्फर्म डेट के बारे में। एंड गाइज इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि गाइज रेडमी 9 पावर डिवाइस में ना MIUI 12.5.5.0 का जो अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, तो गाइज उस अपडेट का फाइल से ना आप लोगों को यहाँ पे 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को काफी लंबा फाइल से देखने के लिए मिलता है। तो गाइज ये अपडेट में ऐसा क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिला है जो कि आप लोगों को फाइल से इतना लंबा देखने के लिए मिला है 2.6 GB का। गाइज यहाँ पे जो पहली बार रेडमी 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिला था, तो गाइज उस अपडेट में ना आप लोगों को फाइल साइज 339 MB का देखने के लिए मिला था। लेकिन गाइज अब यहाँ पे जो फाइल साइज देखने के लिए मिला है जो कि गाइज अभी अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, तो गाइज उस अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिला है एंड गाइज MIUI 12.5.5.0 अपडेट के थ्रू आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल रहा है जो कि गाइज यहाँ पे फाइल साइज इतना लंबा चौड़ा देखने के लिए मिला है, तो गाइज इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो गाइज अगर आप भी हैं रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स तो गाइज आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मैं भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए MIUI 12.5.5.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है, वो भी गाइज सभी रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए। लेकिन गाइज यहाँ पे ना ये अपडेट कुछ यूजर्स को जो देखने के लिए मिला था, तो गाइज वो अपडेट को जैसे ही डाउनलोड किए ना उनका अपडेट आधा डाउनलोड भी हो गया, लेकिन गाइज उसके बाद फिर अपडेट गायब हो गया। तो गाइज उनके मन में कन्फ्यूजन बना हुआ कि अपडेट क्यों गायब हुआ एंड गाइज अपडेट गायब हुआ तो वो गाइज आप लोगों को अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को मैंने कई सारे वीडियो में बताया हुआ है कि गाइज अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना वो अप्रॉक्स 1 आवर के लिए देखने के लिए मिलता है। तो गाइज उसी के बीच अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो गाइज आप लोगों को ना बेटर होता है, क्योंकि गाइज अपडेट फिर से 2 से 3 दिन बाद नेक्स्ट बैच में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज जिन यूजर्स का यहाँ अपडेट रोल बैक हुआ ना वो गाइज आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले, आप लोगों को फिर से नेक्स्ट बैच में अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज जैसा कि मैंने पीछे भी बताते आया हूँ कि एक बार जब अपडेट देखने के लिए मिलता है तो उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट बैच देखने के लिए मिलता है ना वो गाइज 2 से 3 दिन बाद नेक्स्ट बैच देखने के लिए मिलता है। तो गाइज आप लोगों को ना फिर से 2 से 3 दिन बाद नेक्स्ट बैच अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, तो गाइज इसी वजह से आप अलर्ट रहना है। एंड गाइज अलर्ट जो रहना ना वो गाइज आप लोगों को 2 PM से आप लोग 4 PM के बीच में ही अलर्ट रहना, क्योंकि गाइज मोस्टली अपडेट ना इसी टाइम देखने के लिए मिलता है। सो गाइज उसी टाइम आप अलर्ट रहना, आप लोगों को टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं, गाइज आप लोगों को फिर से नेक्स्ट बैच में अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज इसी वजह से आप यहाँ पे निश्चिंत रहो अगर आपका भी अपडेट अगर रोल बैक हो गया है तो। अगर बात करें गाइज यहाँ पे ना कि जिन रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को ना MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए ही नहीं मिला है तो गाइज उन्हें कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो गाइज आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को भी ना नेक्स्ट बैच अपडेट देखने के लिए मिलेगा, तो गाइज उस बैच में ना आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे ना अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है एंड गाइज अपडेट अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइज अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना एंड गाइज आप लोग को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फिर से अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि गाइज ये अपडेट ना पब्लिक यूजर्स के लिए रोल आउट हो गया है। सो गाइज आप इसी वजह से अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। गाइज जितने भी है रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स ना सभी यूजर्स को MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइज इसी वजह से आप अलर्ट रहना, अपडेट को चेक करते रहना। अगर बात करें गाइज कि ये जो रेडमी 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.5.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है सभी यूजर्स के लिए, तो गाइज इस अपडेट का ना फाइल साइज आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही लंबा देखने के लिए मिल जाता है। ये गाइज आप लोगों को ना फाइल साइज 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन गाइज अगर बात करें चेंज लॉग के बारे में तो गाइज चेंज लॉग आप लोगों को वही अदर में ही देखने के लिए मिल जाता है। ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्म
परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इट मीन्स यार ऑप्टिमाइज कर दिया गया सिस्टम परफॉर्मेंस को एंड इंप्रूव्ड कर दिया गया सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को। इट मीन्स यार जब आप अपने Redmi 9 पावर डिवाइस को ना MIUI 12.5.5.0 में अपडेट करेंगे तो गाइस आपके डिवाइस का जो सिक्योरिटी पैच होगा ना वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। इसी के साथ में गाइस आपके डिवाइस की स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। एंड गाइस जिन Redmi 9 पावर डिवाइस के यूजर्स को ना एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला हुआ था तो गाइस उन्हें भी ये MIUI 12.5.5.0 के अपडेट में एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि गाइस बहुत सारे Redmi 9 पावर डिवाइस के जो यूजर्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि भाई इस अपडेट के साथ में एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस यहां पे आप लोग को जो ये MIUI 12.5.5.0 का जो अपडेट देखने के लिए मिला ना ये गाइस काफी बेटर अपडेट है क्योंकि गाइस इसमें एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने के लिए मिल रहा है जिन यूजर्स को एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला हुआ था उन्हें। एंड गाइस जिनका Redmi 9 पावर डिवाइस MIUI 12.5.4.0 में अपडेटेड नहीं था तो गाइस उन्हें भी MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस इसी वजह से ना यहां पे आप लोगों को फाइल साइज थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिल रहा है। सो गाइस यहां पे ना कुछ Redmi 9 पावर डिवाइस के ऐसे भी यूजर्स हैं जिनका डिवाइस ना MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड था तो गाइस अब उन्हें जो MIUI 12.5.5.0 का जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट। तो गाइस इसी वजह से यहां पे उन्हें फाइल साइज ज्यादा शो कर रहा है एंड गाइस उन्हें 2.6 GB खर्च करके ये अपडेट को अपडेट करना ही पड़ेगा। तो गाइस इसी वजह से आप लोगों को यहां पे फाइल साइज ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। सो गाइस Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस एक चीज और मेंशन करना कि आपके Redmi 9 पावर डिवाइस में MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला। एंड गाइस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।